जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, हालांकि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो ये हमारा डेली व्लॉग हार्ट चैलेंज का 12वां दिन, तो बिना किसी देरी के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हमारा जाने वाला है, घूमने जाने का प्लान है। ऑटो ऑटो करी से दोस्त आए हुए हैं, तो अभी मैं खड़ा हूँ हर्ष की दुकान के सामने और कार्तिक भी यहीं खड़ा हुआ है, तो उनका वेट करते हैं। यादी के फिर चाय वाय पीने का है समथिंग, तो चाय वाय पी के फिर निकलते घूमने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यारी कैफे पे और मित्रगण सब यहाँ बैठे हुए हैं और ये अपनी यारी कैफे यहाँ पर बैठी है। आया हुआ है छोटू हमारे साथ। कब सुबह? A few moments later. तो गाड़ी की कमी होती हुई तो हम हमारी गाड़ी भी लेने आ चुके हैं। छोटू की गाड़ी से तो हम आए थे, बाकी हमने सोचा कि हमारी गाड़ी भी ले चलते हैं, क्योंकि 7-8 जोन हो गए, 8-9 जोन हो गए। गाड़ी हमारे पास तीन नहीं बैठ पाएंगे, तो हमने दो के हिसाब से तो 4 गाड़ी हो चुके हैं, 8 बंदे हो चुके हैं। तो चलते हैं कार्तिक जी। कार्तिक जी गाड़ी चालू करी, सीधे वहीं रोकना। तो चलिए हम भी चलते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अभी हम रिटर्न यारी कैफे पे आए और हमको दिखा गया चूहे जी हमारे वेट कर रहे हैं हमारी गाड़ी के आगे बैठे हुए हैं, जाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। कुछ पॉइजन वॉइजन तो नहीं खिला दिया? पॉइजन क्यों भाई, पॉइजन हो गया क्या भाई, इसको क्या खिला दिया? घूम रहे हैं तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इसको ले जाए अपने घर, इसको बिठाए क्या पिंजरे में? चल चल चल, चलो इसको ही पाल लेंगे यार। चलिए चलते हैं गाइस। तो दोस्तों हम अभी जाने वाले थे घूमने, बाकी सारे दोस्त हमारे चले गए, हमारा मन नहीं था क्योंकि हमारी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, पेट्रोल भी नहीं था, तो कैंसिल कर दिया जाना। तो हर शोर में अब देख रहे हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, नौलखा जाएंगे घूमने के लिए, लंच वंच खाना वाना लेना है इसको यश के लिए। तो जस्ट अभी पेट्रोल डलवाना है, गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं यहाँ से बस पेट्रोल डला के और जा रहे हैं हम नौलखा, और देखते हैं और कहीं जाने का प्लान होगा तो उधर भी घूम फिर के आएंगे। बाकी अभी तो प्रॉपर नौलखा जाने का प्लान है, वही जा रहे हैं। 50 का हर्षा ने पेट्रोल गाड़ी में डलवा दिया है, तो चलिए चलते हैं। A few moments later. तो दोस्तों हम नौलखा से आ चुके हैं इधर की साइड और हम आ चुके हैं भवर कुआ समथिंग आई गए हैं, और हर्ष जी यहाँ पर गुड़ की चाय पिलाने लाए हैं। ये बोले चलिए चलते हैं, पब्लिक तो बोले गुड़ की चाय पी लेते हैं। तुम बस जस्ट ये भवर कुआ आई गए, बस ये आई गए भवर कुआ, और इस साइड पे चाय वाला वो हमारा गुड़ की चाय बनाता है एकदम चकाचक, मलाई मार के एकदम मलाई की मलाई चाय मिलती है गाइस। चलिए आपको बताते हैं, और एक चूस की लेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा स्वाद से। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारी चाय, गोडू जी स्नैप लेते हुए, ये बोले चाय सब उस नाम से है भवर कुआ पे, बहुत मस्त चाय बनाता गाइस। हाय हाय, आए आप भी एक बार पीने होटल रजनी। सेवन नाइट्स डे बॉयज, टकले पीछे से देख रही है। तो भाई हम चाय पी के आ चुके हैं वापस नौलखा साइड, बहुत मस्त, अच्छा बहुत मस्त चाय बनाई थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक देख रही है क्या छूटे आप कर रहे हैं, तो क्या लेना है 20 रुपये कट गुड़ की चाय, ये बोले चाय भंडार अमृत तुल्य, चाय खाए पिए तुम्हारी मर्जी, तो पियो ने तो मत पियो, हम तो पिया है। बहुत बुरी बात है गालियाँ देना भाई, हम नहीं देते सुनते देते मत। चलो फटाफट चलते हैं यश के लिए खाना लेते हैं और रूम पे चलते हैं। A few moments later. तो दोस्तों हम आ चुके हैं यश के लिए खाना लेने के लिए, तो हर्ष गया है अभी खाना लेने के लिए, नौलखा पे है अपना सी खाटू श्याम रेस्टोरेंट, और अभी खाना बना ही नहीं गाइस, लेटेस्ट न्यूज़ है। तो
उसको मैंने बोला था कि खाना बोल के जाना और ये मेरे को बोल रहा था कि बना दिया है। बैठना पड़ेगा, चलिए अंदर चलते बैठते हैं। दोस्तों आ चुके हैं हम रेस्टोरेंट में और ये हमारे सामने रेसिपीज, दाल तड़का सेव टमाटर जो भी लिखा हुआ है और ये बैठा व्यवस्था इनकी। और ये हर से यहीं पर खाना खाता है हर दिन डेली, चल जाता है कभी डेली का, रोज का यहीं से खाना जाता है, रोज का 300-400 रुपये का खाना खा जाता है डेली, सुबह शाम को और दोपहर में लगता तो खिचड़ी विचड़ी मंगा जाए। ये बाबू जी हमको पीछे से देख रहे हैं, क्या चूते आप कर रहे हैं, पता नहीं खाई क्या अभी बना नहीं हर्ष, क्या गाई जा रही है, ऐसा क्या कर रहा है, रोटी वोटी बनवा रहा है क्या, रोटी बनवा रहा, खिचड़ी खिचड़ी बनवा रहा। बड़े बड़े हमने सारी चीज़ें ले ली है, चावल अवल करवाए और क्या क्या करवाए हैं गाइस, और ले लिया भाई साहब ने पार्सल और चलते हैं अपने रूम पर। चलिए चलते हैं। A few moments later. तो दोस्तों हम आ चुके हैं रूम पर, हर्षो को भी हमने छोड़ दिया है, कपड़े निकालते नहीं बन रहे हैं गाइस, कोविड चलने देना आप लोग को गाइस। आखिरकार हमने निकाल ही लिया है और देखते हैं हमारे रूम पे क्या रखा हुआ है, खाने को तो कुछ है। और यह घर से आई हुई थी बाटी सुबह की, शाम सुबह आई हुई थी, ये तो सब बाहर खा के आ रहे हैं तो हमने सोचा यही खा लेते, अब क्या करें, खाना तो पड़ेगा, पेट भरना है तो सब कुछ करना पड़ेगा गाइस, तो कुछ बचा नहीं आप लोगों को बोलने के लिए, ख़त्म करते हैं व्लॉग को, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम।